पूरे बहुजन समाज को अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ को बुलंद करने वाले जो प्रकाश हैं, वेद प्रकाश जी ने कहा जाता है, जो द एक्टिविस्ट नाम का एक चैनल चलाते हैं जिस पर 11 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। हालांकि ये सब्सक्राइबर जो है अधिकतर 85 वर्ग के लोग के ही द्वारा सब्सक्राइब किया हुआ है। आज कुछ विगत दिन मतलब लगभग 2 या 3 दिन पहले उनकी शादी हुई है और ये शादी जिस तरीके से हुई है उसको बोलते हैं अर्जक विधि। अर्जक तरीके से इनको शादी की गई है। अर्जक का मतलब होता है कि बिना पंडित का, बिना दक्षिणा का, किसी भी तरीके से कुछ लेन देन का नहीं, उसको बोलते हैं अर्जक शादी। अब हम इसको वीडियो जो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिस तरीके से द एक्टिविस्ट वेद ने अर्जक शादी करके पूरे दलित वर्ग के लिए एक नए आह्वान किया है कि आप भी दलित जैसा और खासकर वेद प्रकाश जैसा शादी करिए। आजकल ये होता है कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो जब कोई दलित पूजा पाठ कराता है या फिर अपने घरों में शादी को कराता है, ब्राह्मण को बुलाता है पूजा पाठ करने के लिए, और ब्राह्मण जो है जितना आप देते हैं उससे संतुष्ट नहीं होता है और अपने हिसाब से 51, 52, 500, 1000 ऐसे करके मांग करता है। लेकिन दलित समुदाय को जिस तरीके से ये ब्राह्मण आपसे इतने रुपए की मांग करते हैं, वहीं जब ब्राह्मण के हैं आप अलग से जब खाना के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं कि अगर हम दलित के यहाँ खाना खाएंगे तो हमारा उल्टी हो जाएगा, मतलब हम उल्टी कर देंगे। तो सोचिए कि जो व्यक्ति ये कहता है, जो समुदाय ये कहता है कि अगर मैं दलित के यहाँ खाना खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा, तो फिर उसको अपने घर में बुलाकर और उसको बढ़िया से पैसा देकर और उसको अच्छे अच्छे खाना खिलाकर और कपड़ा देकर उसे सम्मानित करने की क्या ज़रूरत है सर। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से ये लोग आपके आरक्षण को भीख की संज्ञा देते हैं तो आप भी इनसे अपने पूजा पाठ मत करवाइए, तब इनकी औकात का पता चलेगा कि वास्तव में भीख मांगा कौन है। भीख मांगा SC ST और OBC है या फिर भीख मांगा वास्तव में ब्राह्मण है। असल में दर्शकों आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि आरक्षण जो है, जो सवर्ण जाति के लोग जिसको भीख की संज्ञा देते हैं वो जो है बिल्कुल एकदम निराधार है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर बयान दिया है कि आरक्षण जो है SC ST लोगों के लिए कितना ज़रूरी है हम समझ सकते हैं, और इसीलिए आरक्षण जरूरी नहीं बल्कि बेहद ज़रूरी है जिसे भिखमांगा की संज्ञा स्मरण लोग देते हैं। वैसे यदि भिखमांगा के संज्ञा आरक्षण को स्मरण लोग देते हैं तो स्वर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण मिला है तो फिर उनको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भी भिखमांगे हैं। लेकिन दर्शकों और खासकर वैसे दर्शकों जो दलित से बिलोंग करते हैं, वैसे हमारे चैनल पर ज़्यादातर दलित लोग ही और खासकर 85 वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें हमको बोलने में या फिर ये कास्टिज्म करने में, वैसे हम कास्टिज्म नहीं कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन इस हजारों और शताब्दियों से जो है इस दलित समुदाय का और जो मूल निवासी है उनका शोषण करते आए हैं ये लोग, इसीलिए इनसे पूजा पाठ न करा के आप इनकी औकात को बता दीजिए कि किस तरीके से आप अगर पूजा पाठ नहीं करिएगा ना तो हमारा काम चल जाएगा। वैसे सर जिस तरीके से लोग आपको भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जन्म होता ही कहते हैं कि मंगल की माया है, शनि की साया है, और इस तरीके से आपको लाखों रुपए आपसे ऐंठ लेते हैं मंगल की माया और शनि की साया कह के, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए जिस तरीके से वेद प्रकाश ने शादी की है उस तरीके से मुझे लगता है कि सारे लोगों को ज़रूर शादी करनी चाहिए, और इससे न सिर्फ आपका मान और सम्मान ही बढ़ेगा बल्कि आपके खर्चा भी जो है बिल्कुल मिनिमम होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तमाम जो बहुजन साथी हैं, जो बहुजन व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस तरीके से शादी को करनी चाहिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप दनिज पर देख रहे हैं और हमारे कैमरे पर साथी हैं मनु जी। बहुत बहुत धन्यवाद।